ओम ज्ञानतिमिरां तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनीतानन्द हरियाद्वैतगदाधर श्रीवसति गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्राजक आचार्य चतुर्दंड स्वामी श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडी पादगण वैष्णव एवं वैष्णवी सभी को चरण में मैं जथा योग्य प्रणाम करता हूँ। श्रील महाराज जी का आदेश है, श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या देन है, कलयुग में महाप्रभु हम लोगों के लिए क्या दिया है, इसलिए हमारे श्रील लोचन दास ठाकुर का एक कीर्तन के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को क्या दिया है, उनका क्या अवदान है, कौन सा कारण को लेकर के महाप्रभु इस जगत में आए, बड़े सुंदर रूप में उन्होंने उसमें विवेचना की है। वो भजन है बोले एला गौरा रसा नदी कादंबिनि होए भासाइल गौरा देश प्रेमा वृष्टि दे। ये भजन में बता रहे हैं एलो गौर रसन नदी कादंबिन होए, कहते वो जो एलो गौर रसन नदी, कहते वो जो रस का नदी किस रूप में आए, कहते कादंबिन होए, रस तो नदी रूप में था लेकिन नदी रूप में जब रस रहता है उसका लाभ सभी नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जब वह रस एक कादंबिन जब मेघ रूप में जब आता है लेकिन उसका लाभ सभी उठा सकते हैं। इसलिए कहते वो रस नदी जब वो कादंबिन होकर के आए तो कादंबिन क्या उसका क्या गुण है, कहते वो कोई पात्र अपात्र को विचार नहीं करता है, इसलिए ये पवित्र स्थान ये अपवित्र स्थान नहीं देख करके वो बराबर रूप में सर्वत्र उन्होंने अपना बारिश को बरसाता है। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उन्होंने आकर के उन्होंने पात्र पात्र विचार उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इसलिए पात्र अपात्र विचार नहीं करते हुए जो अपना प्रेम को उन्होंने आज चंडाल सभी को उन्होंने ये प्रेम की बाढ़ में उन्होंने सभी को बहाया है। इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं बोले हे ना अवतार अबे की होए छे हे ना प्रेम पराचार दुरमति अति पतित पासनी प्राण न मारिल करे हरि नाम दिया हृदय सोधिल जाची गिया घरे घरे। उन्होंने दीनहीन पतित अधम उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया, इसलिए उन्होंने पात्र अपात्र को विचार नहीं करते हुए लंगड़ा लूढ़े सभी को उन्होंने कृष्ण नाम रूपे से बाढ़ आई जिसे बाढ़ को गरगद आतुर अवधि पार है जिसमें कोई थोड़ा अंत मतलब जिसको भक्ति में कोई भी अधिकार नहीं, कहते श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कादंबिन रूप में आकर उन्होंने सर्वत्र उन्होंने ये बाढ़ को उन्होंने बहाया, केवल भारत में नहीं
पृथ्वी ते आछे जाते नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मरना महाप्रभु तो प्रचार किया ही है और अपना परिकर हमको दे करके भी संपूर्ण पृथ्वी में ये बाढ़ को उन्होंने सभी को बहाया जिस बाढ़ में केवल भारतीय नहीं देखो वो बाढ़ बहते बहते कहां तक गया पहाड़ बहते 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 संपूर्ण पहले ये कहते मूल स्कंध रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु हुए उसमें दो शाखा निकली एक नित्यानंद प्रभु और एक अद्वैत आचार्य उसमें विशेष शाखा निकली है और उसमें एक विशेष शाखा निकला जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद हुए उसमें भी एक शाखा निकला जिसमें श्री लव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत स्वामी महाराज आदि हुए उसमें भी तरह तरह का शाखा प्रशाखा निकला उसी शाखा से हमारे महाराज भी उसमें की शाखा है जो शाखा केवल भारत नहीं जो शाखा संपूर्ण विदेश में भी जा करके उन्होंने प्रेम फल को उन्होंने ऐसे फैलाया जिस प्रेम फल में आकृष्ट होकर के आप संपूर्ण विदेशी लोग भी जिस प्रेम फल को आप लोग भी आस्वादन कर रहे हैं इसलिए यदि चैतन्य महाप्रभु एक कादंबिन रूप में इसलिए आए कहते उन्होंने किसको किसको द्वारा उन्होंने क्या क्या काम किया कहते नित्यानंद प्रभु को उन्होंने द्वारा क्या किया कहते नित्यानंद प्रभु को द्वारा कहते जहां नहीं प्रेम वृष्टि तहां ले जाए कहते नित्यानंद प्रभु उसने बड़े दयालु बड़े कृपालु थे कहते जहां पर प्रेम वृष्टि नहीं नित्यानंद प्रभु ऐसे दयालु है कहते पूरी सरग पीठ है से मुई से लधिष्ट जगाई माधाई है से मुई से पापिष्ट मोर नाम तार पाप है मोर नाम सुन जे तार पुण्य है एमन निर्घिन मरे के बा कृपा करे एक नित्यानंद बिना जगत माझा नित्यानंद प्रभु इतने दयालु इतने कृपालु है इसलिए जिस निताई गुण मनिया और निताई गुण मनि में उसमें वर्णन करते हैं कहते कांतिया मुहान कहते मुहान मतलब होता है एक तरफ में जैसे कि डैम है कि बांध है एक तरफ में संपूर्ण पानी पानी है एक तरफ में संपूर्ण पानी रखा हुआ अभी मुहान मतलब उसको बीच में काट दो तो क्या होगा इतने तेजी से अभी कहीं बाढ़ आई इतना सुनामी आ गई कहते इतने तेजी से पानी आता है फिर सामने को कुछ नहीं देखता है वो पूरा का पूरा बहा करके ले जाता है उसी तरह श्री नित्यानंद प्रभु भी उन्होंने सर्वत्र उन्होंने ये कृष्ण प्रेम की बाढ़ को उन्होंने सर्वत्र बहा दिया कहते नित्यानंद प्रभु रूप में गुरुपाद पद्म है जिन्होंने सर्वत्र महाप्रभु का प्रेम को प्रचार प्रसार जो सर्वत्र करते हैं कहते उसमें अद्वैत आचार्य को द्वारा उन्होंने क्या किया बोले गुड़ गुड़ शब्द आयल श्री अद्वैत चंद्र आचार्य कहते गुड़ गुड़ मतलब होता है जैसे कोई बारिश बारिश कुछ है नहीं हठात कहां से आंधी तूफान आए कहां से हठात काल वैसा कि कहां बारिश आया और आ करके उन्होंने सर्वत्र उन्होंने बारिश बरसा की कहते अद्वैत आचार्य कैसे आकर के उन्होंने तुलसी और गंगा जल को द्वारा कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने कैसे उन्होंने आह्वान किया जिस आह्वान से कहते सुतिया आचमुनामी खीर समुद्र माधारे निद्रा भंग है लमुर नारार उनकारे ऐसे उन्होंने आह्वान किया जो कि भगवान का आसन को उन्होंने हिला दिया और जिसको द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु इसी जगत में उन्होंने प्रकटित हुए हैं कहते राय रामानंद को द्वारा उन्होंने क्या किया कहते उन्हें राय रामानंद को द्वारा उन्होंने कहते रस समुद्र को उन्होंने बहा दिया है अभी चैतन्य चरितामृत में हम लोग श्रवण करेंगे जिस राय रामानंद संवाद को हम श्रवण करेंगे उनको द्वारा उन्होंने क्या दिव्य वस्तु नहीं दिया जिसमें चैतन्य चरितामृत में एक विशेष जिसमें अध्याय है इतने सुंदर है किसी संप्रदाय में मुझे लगता है इतने गंभीर विवेचना सब जानते हैं भजन भजन कर रस रस है लेकिन रस का क्या विवेचना है और उन्होंने एकदम फास्ट से लेकर के दैव वर्णाश्रम से लेकर के धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उन्होंने कैसे उन्होंने शांत दास सख्य वात्सल मधुर उसी मधुर रस में भी चरित्र का जो चमत्कारिता राधा रानी की जो विशेष विशेष भावना आज जिस बेलवन में हम लोग गए थे जहां पर लक्ष्मी सब जगह में लक्ष्मी के देखो हाथ ऐसे करके रहती है लेकिन ब्रज में देखो लक्ष्मी किस रूप में कहते ब्रज में लक्ष्मी जहां पर हाथ जोड़ करके बैठी बोले क्यों बोले विहाय जहाँ पर कृष्ण माधुर्य कृष्ण सौंदर्य कृष्ण का लीला पूर्ण माधुर्य में जहाँ पर लक्ष्मी तक भी जहाँ पर आकृष्ट होकर के
जिस बिहाय कामान अपना सारे कामान को छोड़कर कठोर तपस्या कर रही है, लक्ष्मी जिस प्रेम को पाने के लिए लक्ष्मी भी स्वयं तरसती है, इसलिए नायम श्रीअंगम नितांत हृदय प्रसाद स्वर्ग जोशिता, कहते जिस सौभाग्य को स्वर्ग में जो अवसर या जिनको शरीर से सुंदर सुंदर कमल फूल का खुशबू निकलता है, जो सौभाग्य उनको भी प्राप्त नहीं, जो सौभाग्य लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं, वो सौभाग्य ब्रज गोपियों को प्राप्त है। इसलिए जिसमें ब्रज गोपियों के प्रेम, उसमें श्री राधा रानी के प्रेम को जहाँ पर सर्वोत्तम रूप में उन्होंने जो सूक्ष्म सूक्ष्म जो विवेचना दी है, समझो हमारे संप्रदाय के लिए कितने एक महान वस्तु है जिसको हम तो कल्पना नहीं कर सकते, इतने महान वस्तु है। कहते कृष्णदास कविराज रसर भंडारी, कहते रस का ये भंडार है, कहते जहाँ पर सोने का कलसी में जिन्होंने संपूर्ण रस को, जिसने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में संपूर्ण रस को जिसने रख दिया है, कहते रघु गोस्वामी सनातन गोस्वामी को द्वारा, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु, कहते हैल बिजरी, कहते वैसे तो आकाश में जो मेघ है वो तो सुंदर सुंदर है ही है, लेकिन अगर उसमें बिजली चमके तो उसमें फिर कितने सुंदर लगता है। कृष्ण तो वैसे सुंदर है ही है, उनका शरीर में जैसे पीतांबर स्थिर विद्युत रूप में शोभायमान देता है, उसी तरह कहते रूप सनातनता है हैल बिजरी। कहते श्री रूप गोस्वामी को द्वारा श्री मन चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य मन भीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप गदा मध्यम तदाति सुपदांतिकम, उन्होंने महाप्रभु का अभिष्ट को स्थापन करते हुए उन्होंने जो रूपानुगत को जो उन्होंने प्रदान किए, कदि ये समझो इतने महान वस्तु है, जो अनर्पित जो सुभक्ति स्त्रियम अपना भक्ति का जो सौंदर्य वो क्या है, कदि ये रूपानुगत तो है, कदि रूपानुगत का इतने महत्व है, दूसरे दूसरे संप्रदाय में राधा कृष्ण का भजन करने पर भी हम भी राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन हमारा राधा कृष्ण भक्ति और दूसरे दूसरे संप्रदाय में जो राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं उसमें क्या फर्क है। दूसरे दूसरे संप्रदाय में सखी भाव से ज्यादा सखी भाव से करते हैं, लेकिन हमारा संप्रदाय में रूपानुगत हो करके कबे लोकनाथ मरे संगे ले आ जावे श्री रूप और पाद पद्म मरे समर्पिबे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी तुली श्याम जन्म जन्मानी, जहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जन्म जन्मांतर हम श्री रूप गोस्वामी का धूल बनना चाहते हैं, जहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं हम रूप श्री रूप गोस्वामी की चरण की एक धूल को हम प्रार्थना करते हैं, कभी जिस सेवा में प्राण पृष्ठ सखी कुलादपि कील असोंचकित भूमिका, जिस सेवा रस में जहाँ प्राण पृष्ठ सखिया भी प्रवेश नहीं कर पाते लेकिन रूपानुगत में वो सेवा को जी प्राप्त करता है, इतने बड़े महाप्रभु का जो उज्जवल निर्मणी जो भक्ति रसामृत रूपी जो दो कपाट उन्होंने खोले, महाराज कहते दो कपाट उज्जवल निर्मणी ये भक्ति रसामृत सिंधु, कहते वो जो अद्भुत जो वस्तु है, मैं कहीं पढ़ने के लिए जाता था, वो बोलता था किसी ने एक एक व्यक्ति रूप गोस्वामी का उज्जवल निर्मण से उन्होंने कोट करके उन्होंने कोई ग्रंथ निकला जो कॉलेज में पढ़ाई होता है, लेकिन उन्होंने रूप गोस्वामी का नाम नहीं दिया लेकिन उसको कोट बलिष्ठ मिला है और जगत में उसका नाम हुआ, लेकिन रूप गोस्वामी का नाम उन्होंने नहीं दिया। इसलिए और बड़े बड़े विद्वान वृंदावन में जितने बड़े बड़े विद्वान जब भक्ति रसामृत ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं, भक्ति विषय में कोई भी शब्द उच्चारण नहीं कर सकते, इतने वस्तु सनातन गोस्वामी कभी बृहद भागवतामृत ग्रंथ लिखा, कभी सारे ग्रंथ में जो सिर मोर है और सर्वप्रथम जो ग्रंथ है जिसमें पांच तरह का भक्त, जिसमें ज्ञानी भक्त शुद्ध भक्त प्रेमी प्रेमापर और प्रेमातुर भक्ति, और जिसमें ब्रज भक्ति उस ब्रज गोपियों के प्रेम को सर्वोत्तम रूप में स्थापन करते हैं। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अपना अपना अलग अलग भक्तों को द्वारा उन्होंने जो वस्तु हम लोगों को जगत में दिया है, समझो हमारे लिए एक अपूर्व देन है और हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो इधर उधर किसी संप्रदाय में नहीं जा करके महाप्रभु का संप्रदाय में और श्रील महाराज जैसे रसी के भक्तों का जो आनुगत्य भी किया है, क्योंकि इसी गौड़ीय मठ में इस रस विषय में कोई विचार नहीं करते, केवल हम लोग बड़े सौभाग्यवान है, कम से कम विषय तो पता चले बाद में उसको बड़े प्राप्त करेंगे, केवल ये महाराज की विशेष कृपा है जो कि हम लोग महाराज के पास में आ गए, नहीं तो किसी गौड़ीय मठ में सो कितने गंभीर विवेचना कही नहीं। इसलिए श्रील महाराज के चरण में हम प्रार्थना करते हैं महाराज जी कृपा करें कभी ना कभी।